स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधायक आरिफ मसूद के बयान पर कहा, सरस्वती शिशु मंदिर का सिलेबस शासन से मान्यता प्राप्त है। शासन ने 5वीं-8वीं बोर्ड की, उन्होंने उसे मान्य कर लिया। सरस्वती शिशु मंदिर में कोई अलग सिलेबस नहीं चलता। सरस्वती शिशु मंदिर तो सरकार की योजना से संचालित हो रही है, एक प्रकार के सरकार का सहयोग कर रहे हैं। उनकी जांच का विषय ही नहीं, उनका सब रिकॉर्ड सरकार के पास है। पहले भी जांच हुई है, आगे भी जांच होगी। हम ये चाहते हैं कि मदरसों का एक रिकॉर्ड बने, अवैध रूप से कोई मदरसे ना चले, मदरसों का दुरुपयोग करके कोई देश विरोधी गतिविधियां ना चले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सिलेबस बनाने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच मदरसों और सरस्वती शिशु मंदिरों पर जंग तेज हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 दिन पहले प्रदेश में चल रहे मदरसों के सिलेबस की जांच कराने की बात कही तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भड़क गए। मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच कराने की मांग करते हुए गृह मंत्री पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा दिया। मसूद के बयान पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया है, मदरसों को लेकर गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर मुझे ऐतराज है। बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर को भी देखना चाहिए, वहाँ संघ के द्वारा क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। ये देश गांधी का है, पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र हैं, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जिस छात्र को जहाँ पढ़ना है वो वहाँ पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। ध्रुवीकरण के लिए मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। 3 दिन पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने का मामला संज्ञान में आया है, मैंने भी उसे देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों की पठन सामग्री को जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश देकर संबंधित जिले के शिक्षा विभाग से उस स्टडी मटेरियल को स्क्रूटनी करा लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पठन सामग्री आपत्तिजनक ना हो। गृह मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नाराजगी जाहिर करते हुए शिशु मंदिरों की जांच कराने की मांग कर दी। मसूद की मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया है, कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। हम मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज है, और ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। शिशु मंदिर का सिलेबस शासन से मान्यता प्राप्त है, हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड शासन ने निर्णय किया, वो उन्होंने मान लिया। हमारे यहाँ कोई अलग से सिलेबस सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं चलता है, इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर तो सरकार की योजना से ही संचालित है, एक प्रकार से सरकार के सहयोग कर रहे हैं। उनकी इसे जांच का है ही नहीं, वो सब सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। मदरसों का पहले भी जांच हुई है, आगे भी जांच होगी। हम ये चाहते हैं कि उनका मदरसों का एक रिकॉर्ड बने, अवैध रूप से कोई भी मदरसे नहीं चले, कोई किसी को अवसर ये नहीं मिले कि मदरसों का दुरुपयोग करके देशद्रोही गतिविधि संचालित करें।